नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। गुमला जेल में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के शराब पार्टी करने के मामले में जेलर समेत चार निलंबित। आजीवन कारावास की सजा काट रहे अपराधी सुजीत सिन्हा का जेल में शराब पार्टी करते फोटो वायरल होने के मामले में गुमला के प्रभारी जेलर समेत चार को निलंबित कर दिया गया। साथ ही जेल में अनुबंध पर कार्यरत दो कक्षपाल की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके अलावा जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की घोषणा की गई है। फोटो के वायरल होने के जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मंगलवार को जेल आईजी ने मंडल कारा गुमला के प्रभारी जेलर समेत चार को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मंडल कारा गुमला के जेल अधीक्षक सुनील कुमार के खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही चलेगी। गुमला जेल में अनुबंध पर कक्षपाल के पद पर कार्यरत दो भूतपूर्व सैनिकों का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। साथ ही जेल में पार्टी करने वाले कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को केंद्रीय कारा दुमका में शिफ्ट कर दिया गया है। मंगलवार को जिन लोगों पर कार्रवाई हुई उनमें सहायक कारापाल कौलेश्वर राम पासवान, उच्च कक्षपाल मोहरा सांगा, दफा इंचार्ज उपेंद्र रॉय और कक्षपाल मुन्ना साह को निलंबित किया गया है। इसके अलावा अनुबंध पर कक्षपाल के पद पर कार्यरत दो भूतपूर्व सैनिक मार्कुश लकड़ा और वाल्टर केरकेट्टा का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। जेल आईजी मनोज कुमार के निर्देश पर एआईजी हामिद अख्तर ने भी पूरे मामले की जांच की है। उपायुक्त गुमला के निर्देश पर एसडीओ और डीएसपी ने पूरे मामले की जांच की है। जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है कि उक्त वायरल फोटो मंडल कारा गुमला का है। इसके बाद जांच समिति ने राज्य सरकार और कारा निरीक्षणालय से कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसके बाद जेल आईजी ने इस मामले में कार्रवाई भी की। इस पूरे प्रकरण में गुमला थाना में प्राथमिकी भी दर्ज है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।